हे एवरी वन, वेलकम टू द स्टडी 24 ऑफिशियल। मैं हूं प्रियंका और आज हम बात करेंगे ह्यूमन डिवेलपमेंट स्टेजेस में नेक्स्ट स्टेज की, दैट इज़ द एडल्टहुड, जिसे हम प्रौढ़ावस्था के नाम से जानते हैं। आफ्टर एडोलसेंस ये हमें नेक्स्ट स्टेज देखने को मिलती है किसी भी ह्यूमन इंडिविजुअल में। तो बात करते हैं एडल्टहुड क्या है। ये जो प्रौढ़ावस्था जिसे हम एडल्टहुड कहते हैं, ये 18 से जीवन भर का जो टाइम पीरियड होता है उसमें ये फेस देखने को मिलता है। और इसकी जो करैक्टरिस्टिक फीचर्स हैं वो हम देखते हैं। इस अवस्था में आकार व्यक्ति आत्मनिर्भर हो जाता है और तरह तरह की जिम्मेदारी निभानी पड़ती है। इस स्टेज के अंदर जो कोई ह्यूमन बीइंग है वो सेल्फ डिपेंडेंट हो जाता है, मतलब वो किसी के ऊपर डिपेंडेंसी शो नहीं करता है। अब ऐसा क्यों? क्योंकि वो फुली मैच्योर हो चुका है। मैच्योर कब हुआ? जब उसकी ग्रोथ अब ख़त्म हो चुकी है। अब इस स्टेज के अंदर उसकी कोई भी ग्रोथ नहीं होगी, लेकिन डिवेलपमेंट होगा। डिवेलपमेंट किस में होगा? डिवेलपमेंट मल्टी डायरेक्शनल वे में होता है। सोशली होगा, इकोनॉमिकली होगा, पॉलिटिकली होगा, किसी भी तरीके से उसका वो डिवेलपमेंट होगा। इसीलिए वो आत्मनिर्भर है। आगे बताया गया है, इसमें व्यक्ति किसी विशेष क्षेत्र में अपनी योग्यता या कौशल दिखाता है। इस स्टेज के अंदर कोई भी जो व्यक्ति है वो अपनी योग्यता या कौशल को दिखाता है। अब कैसे इस बात को समझेंगे? जैसे मान लीजिए कोई भी इंडिविजुअल है, चाहे लड़का है चाहे लड़की है, इस स्टेज के अंदर वो अपना करियर ऑप्टिमाइज करता है, मतलब कि अपनी लाइफ के बारे में सोचता है कि ऐसा क्या करना चाहिए जो कि फ्यूचर में उसके लिए वो बेनिफिशियल हो। वही मतलब है कि अपना करियर ऑप्टिमाइज करना, मतलब वो कुछ विशेष अपनी योग्यता को और कौशलता को दिखाता है। कैसे दिखाता है? मान लीजिए किसने प्लस टू की, आफ्टर प्लस टू वो किसी टेस्ट की प्रेपरेशन करेगा, लेकिन वो उसी टेस्ट की प्रेपरेशन करेगा जिसमें उसकी कैपेबिलिटी होगी कि हाँ उसे वो क्रैक कर सके। तो वही बात इसमें बोली गई है कि वो अपनी योग्यता को दिखाता है। ऐसा नहीं है कि हाँ वो डॉक्टर बनना चाहता है तो वो किसी और की तैयारी करेगा, वो डॉक्टर की ही तैयारी करेगा। वही बात यहाँ पर बोली गई है कि वो अपनी कौशलता को दिखाएगा, मतलब वो अपने ऊपर अब सेल्फ इंडिपेंडेंट है कि हाँ उसके लिए क्या सही है क्या गलत है। और ये जो फैसला है ये सिर्फ एडल्टहुड में ही देखने को मिलता है। और बोल सकते हैं कि इस अवस्था में जो आदमी है वो गृहस्थ जीवन जीता है, मतलब कि इस स्टेज के अंदर कोई भी जो आदमी है वो अपना गृहस्थी में पड़ जाता है। गृहस्थी में पड़ने का मतलब है कि उसकी शादी हो जाती है, शादी के बाद वो अपनी फैमिली को इंडिविजुअली संभालता है। वो सिर्फ और सिर्फ एडल्टहुड में ही देखने को मिलता है। अब आगे भी फर्दर इसे तीन स्टेजेस में डिवाइड किया गया है। ये जो प्रौढ़ावस्था है ये शारीरिक परिवर्तन इसमें काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलते हैं, जिसे हम फिजिकल चेंजेस इन एडल्टहुड के नाम से जानते हैं। अब देखते हैं कौन कौन से स्टेजेस हैं ये। सब पहली जो है प्रारंभिक प्रौढ़ावस्था, जिसे हम अर्ली एडल्टहुड के नाम से जानते हैं। सेकेंड है मध्य जीवन, मिडल लाइफ। थर्ड वन है प्रौढ़ावस्था का तृतीय काल और थर्ड स्टेज ऑफ एडल्टहुड। अब इनके बारे में हम डिटेल में जानते हैं कि क्या अर्ली, मिडल और थर्ड स्टेज हैं। बात करते हैं फर्स्ट स्टेज की, जो कि अर्ली एडल्टहुड के नाम से जानी जाती है। प्रौढ़ावस्था के प्रारंभिक काल में मांसपेशीय शक्ति, हृदय कार्य पहले बढ़ते हैं तत्पश्चात घटने लगते हैं। कुछ लोगों का वजन कम हो जाता है। इस स्टेज के अंदर ये देखा जाता है कि ये जो फंक्शनिंग अटेन की होती है किसी भी ऑर्गन को हमारी बॉडी के अंदर है, जैसे हमारा हार्ट है, हमारा लीवर है, उसमें क्या होता है कि फंक्शनिंग पहले बढ़ती है, लेकिन कुछ टाइम के बाद वो जो फंक्शनिंग है वो थोड़ी थोड़ी वो कम होने लगती है। और इस स्टेज के अंदर कुछ लोगों का जो वजन है वो कम हो जाता है। और ऐसा भी देखा गया है कि प्रारंभिक अवस्था के शारीरिक परिवर्तन पहले धीमी गति से फिर शीघ्र गति से दिखाई देते हैं। जो चेंजेस होते हैं वो पहले धीमी गति से हमें दिखते हैं, लेकिन बाद में एकदम से वो बढ़ने लगते हैं। वो किस में होगा? वो सिर्फ और सिर्फ अर्ली एडल्टहुड में देखने को मिलता है। देन सेकेंड स्टेज की बात करें, यहाँ बताया गया है इस अवस्था में व्यक्ति की उम्र 40 वर्ष की आसपास रखी गई है। व्यक्ति के कार्यरत पेशियों में ऑक्सीजन की मात्रा कम पहुँचती है, हृदय की शक्ति में कमी आ जाती है। बोलने का मतलब है कि मिडिल स्टेज के अंदर ऐसा होता है कि जो भी फंक्शनिंग होती है किसी भी इंडिविजुअल की, जैसे हमारा हार्ट है, हमारी लीवर है, उसकी जो फंक्शनिंग होगी वो नॉर्मल वे में काम न करके थोड़ी सी उसकी जो फंक्शनिंग है वो थोड़ी सी कम हो जाती है, मतलब वो प्रॉपर वे में काम नहीं कर पाता। ऐसा क्यों है? क्योंकि देखिए वो जो स्टेजेस हैं, वो जो इंडिविजुअल है, जैसे जैसे वो उसकी लाइफ बढ़ती जा रही है तो उसके जो अंदर के फंक्शंस हो रहे हैं, उसके जो ऑर्गन्स हैं वो कम होने लगते हैं, मतलब वो नकारात्मक वे में चलने लगते हैं। एज तो हमारी बढ़ती है, लेकिन जो हमारे अंदर ऑर्गन हैं वो प्रॉपर वे से काम करना बंद कर देते हैं।
इसीलिए ये हमने देखा है कि बढ़ती उम्र के साथ जो बीमारियां लगती हैं वो इसीलिए लगती हैं क्योंकि एज के साथ जो हमारे अंदर के ऑर्गन्स हैं वो प्रॉपर वे में काम नहीं करते हैं। देन एट लास्ट थर्ड स्टेज की बात करें, इसमें बताया गया है इस अवस्था में शारीरिक परिवर्तन बड़ी तेजी के साथ होते हैं। ऑब्वियस ही बात है, जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती जा रही है, हम ओल्ड एज की तरफ बढ़ रहे हैं, तो ड्यू टू द हॉर्मोनल चेंजेस हमारी बॉडी के अंदर काफ़ी चेंजेस हमें दिखते हैं। जैसे हमने देखा होगा बाल सफ़ेद होते हैं, सबसे बड़ा जो सिम्टम है जो देख सकते हैं कि हाँ कोई चीज़ चेंज हो रही है तो वो क्या है, हमने देखा कि बाल हमारे सफ़ेद होने लगते हैं, हाथों में चेहरे पे झुर्रियाँ आने लगती हैं। तो ये जो चेंजेस आ रही हैं ये सिर्फ और सिर्फ हॉर्मोनल चेंजेस की वजह से परिवर्तन देखने को मिलते हैं। आगे बताया गया है पुरुषों की काम शक्ति में कमी व चिंता बड़े नाटकीय तरीके से होती है, महिलाओं में मेनापोज शुरू हो जाती है अर्थात उसका मासिक धर्म बंद हो जाता है। मतलब ये हुआ कि एट द एंड ऑफ एडल्टहुड स्टेज सारे के सारे जो फंक्शंस होते हैं किसी भी इंडिविजुअल के अंदर वो अपना काम कम करने लगते हैं, मतलब अपनी फंक्शनिंग को प्रॉपर वे में नहीं करते हैं। एडल्टहुड के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही बात हमने देखी है कि उसमें ना तो कोई ग्रोथ होगी, सिर्फ उसमें डिवेलपमेंट होगी, और वो जो डिवेलपमेंट है वो भी मल्टी डायरेक्शनल में होगी, प्लस इसमें हॉर्मोनल चेंजेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो आज हमने बात की है एडल्टहुड के बारे में, उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। इस सो आई होप यू गॉट द कंसेप्ट अबाउट एडल्टहुड। अगर वीडियो किसी भी तरह से आपके लिए हेल्पफुल हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ। अगर चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि जब भी कोई न्यू वीडियो मैं डालूं आपको उसकी नोटिफिकेशन तुरंत ही मिल जाए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।